फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक हैं महावीर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, विलेज पौली, सरधना रोड, मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। कोरोना के आपदा काल में संपूर्ण अर्थव्यवस्था छिन भिन हो चुकी है, शिक्षा व्यवस्था पर भी इसका खास असर पड़ा है। वर्तमान में ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है या ऑनलाइन के नाम पर फीस का मीटर चलाया जा रहा है, इसे लेकर विवाद के हालात बन चुके हैं। रोजाना ही धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, अदालत के दरवाजे खटखटाए जा रहे हैं, लेकिन हालात जस के तस हैं। विद्यालय प्रबंधकों को कहना है कि वह ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, एग्जाम तक भी करा रहे हैं, तो फिर फीस देने में क्या गुरेज है। वहीं अभिभावकों का साफ मत है कि जिस तरह ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही है वैसे एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं है। नेटवर्क की क्या हालत है यह किसी से छिपा नहीं है। उन्होंने ऐलान कर दिया है, नो स्कूल नो फीस। पेरेंट्स के सुर में सुर मिलाते हुए यूपी के कई जिलों में इसे लेकर आंदोलन किए जा रहे हैं। रालोद के मुजफ्फरनगर धरने के बाद आज मेरठ में कांग्रेस भी मैदान में कूद गई। इनका कहना है कि जब स्कूल ही नहीं चल रहे हैं तो फिर फीस का औचित्य क्या है। कुछ अभिभावक ट्यूशन फीस देने के लिए तैयार भी हैं, लेकिन उन पर बिल्डिंग और ट्रांसपोर्टेशन आदि शुल्क भी देने का दबाव बनाया जा रहा है। मैं मोहम्मद जाहिद अंसारी, महानगर अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी। आज जिला और महानगर कांग्रेस कमेटी का संयुक्त प्रोग्राम है। वकीलों को बेरोजगारी भत्ता 10,000 रुपये माह मिलना चाहिए और छात्रों की 4 माह की फीस माफ़ होनी चाहिए और हमारे जो है जितने भी बिजली के बिल हैं आम जनता के वो माफ़ होने चाहिए। उसी को लेकर आज हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है। सारे साथियों ने, कांग्रेस परिवार ने राज्यपाल को ज्ञापन देंगे जिलाधिकारी के महोदय से। देखिए, लॉकडाउन के अंदर 4 माह जब सरकार बंद कर सकती है तो कहाँ जाएंगे ये गरीब लोग, कहाँ से लाएंगे बिजली के बिल जिनके पास खाने के लिए नहीं है, कहाँ से लाएंगे फीस देने के लिए जिनके पास खाने के लिए नहीं है। आम आदमी परेशान है, सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया, एकदम लॉकडाउन लगाया है, कोई समय नहीं दिया। इसलिए हम मांग करते हैं, गरीब लोग मर रहे हैं, भुखमरी से मर रहे हैं, कारोबार खत्म हो गया है, आज नौकरी से निकाल दिया गया है गरीब लोगों को। उधर आज ऑल स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन के बैनर तले संयुक्त शिक्षा निदेशक को ज्ञापन दिया गया। इसमें कहा गया कि कोरोना की मार झेल रहे अभिभावकों पर अब ऑनलाइन पढ़ाई का अतिरिक्त बोझ भी पड़ गया है। जो लोग फीस देने में स्वयं को असमर्थ पा रहे हैं उनके बच्चों को शासनादेश के विपरीत बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। इस मौके पर जिलाध्यक्ष जूही त्यागी, संगीता शर्मा, राहुल गुप्ता आदि मौजूद रहे। ज्ञापन के बाद जिलाध्यक्ष जूही त्यागी ने फर्स्ट बाइट को यह जानकारी देते हुए शासन द्वारा चुप्पी साधे जाने पर असंतोष जताया। आइए देखते हैं क्या बता रही हैं जूही त्यागी। 4 महीनों से मैं लड़ाई लड़ रही हूं, एक ऐसी लड़ाई जो जन साधारण की लड़ाई को आज तक कभी भी मुहिम के रूप में लेने के बाद भी, एक आंदोलन के रूप में लेने के बाद भी सरकार के कानों तक अभी तक कोई आवाज ही नहीं पहुंची गई है। ऑल स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन की तरफ से नो स्कूल नो फीस की मुहिम के तहत हजारों, हर संडे को हजारों ट्वीट किए जाते हैं। हर अभिभावक अपनी भावनाओं को, अपनी परेशानियों को, अपनी दिक्कत को ट्वीट के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की कोशिश करता है, मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आज मेरा सीधा सा सवाल अपने प्रशासन से है, अपनी सरकार से है कि क्या लाखों ट्वीट करने के बाद भी हम अभिभावकों की आवाज़ आप तक नहीं पहुँची है। एक छोटी सी हमारी मांग है कि इस लॉकडाउन के दरमियान लाखों करोड़ों लोगों का व्यापार, आर्थिक संकट ऐसा उभर कर आया है कि खाने के लाले पड़ चुके हैं। हमें नहीं पता कि आगे हमारी आर्थिक स्थिति कभी संभल भी पाएगी या नहीं। हम जो बिजनेस करते हैं, हमारी दुकानें हैं, छोटे छोटे व्यापार हैं, कारोबार हैं, वो पुरानी तरह ही पटरी पर लौट कर आएंगे या नहीं आएंगे। और इस दरमियान स्कूल वालों ने, प्राइवेट स्कूल वालों ने
इतना ज़्यादा हमारा उत्पीड़न किया है, इतनी ज़्यादा हमारे को दिक्कतें दी हैं कि कंटिन्यू, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला था कि लॉकडाउन के मध्य में कोई भी स्कूल फीस के लिए दबाव नहीं बनाएगा, मगर क्या किसी स्कूल ने, मैं हर एक स्कूल से ये सवाल उठा रही हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे सवाल उठा रही हूँ कि आप इसकी जांच करें, क्या हर एक स्कूल ने आपके आदेश का पालन किया, क्या आपके कहे अनुसार चले, क्या शासन आदेश का आदर किया, उनका सम्मान किया? जी बिल्कुल नहीं किया। और अगर आपको यकीन ना आए ना तो प्रूफ है हमारे पास, एक एक मैसेजेस ऐसा है जो हम अभिभावकों का मेंटल हैरेसमेंट कर रहा है, हमारा उत्पीड़न कर रहा है। शुल्क अधिनियम कमेटी जो बनाई गई है वो कहाँ है, मेरठ में कहाँ है, उसके आधार पर कहाँ शुल्क का निर्धारण किया गया है? बस लूटना है और कुछ नहीं करना है। मगर अब मैं आपको बता रही हूँ, अभिभावक जाग चुके हैं और आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, मगर आपको पता नहीं क्यों नहीं दिख रही है। सबसे बड़ी बात मैं आपसे बोलना चाहूंगी, देश की सरकार से बोलना चाहूंगी कि देखिए, लाखों करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई थी अयोध्या मंदिर से, अयोध्या प्रकरण से, उसमें भी एक समय बाद जब अति हो गई थी तो आपके यहाँ सरकार ने अब एक संतोषजनक निर्णय लिया और देश की जनता को एक बहुत बड़ा उपहार दिया है। एक अयोध्या मंदिर की नींव रखी गई है 5 तारीख को। तो माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे मैं सीधा सीधा सवाल करूंगी कि रामलला को तो उनका घर मिल गया है, रामलला को तो न्याय मिल चुका है, हमारे लल्ली और लल्लाओं को न्याय कब मिलेगा? क्या वो देश की नींव नहीं है? क्या वो देश का भविष्य नहीं है? क्या वो देश के आधार पिंड नहीं है? नहीं है तो आप सीधा सा आदेश निकालिए कि हमारा स्कूल से कोई लेना देना नहीं है, स्कूल प्रकरण से, फीस से, अभिभावकों से, बच्चों के भविष्य से कुछ लेना देना नहीं है, हमें तो फीस चाहिए क्योंकि हमें अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारना है। स्कूल प्रबंधकों का साफ मत है कि उन्हें कोई सरकारी मदद नहीं मिलती है, वह अपने स्तर से ही स्कूल के खर्चे मैनेज करते हैं, स्टाफ और टीचर्स का वेतन भी बराबर देना पड़ रहा है। ऐसे में यदि बच्चे फीस नहीं देंगे तो वेतन आदि का भुगतान कहाँ से करेंगे? दीवान पब्लिक स्कूल जैसे नामी स्कूलों की बात की जाए तो बताया जा रहा है कि यहाँ के स्टाफ को बराबर व पूरा वेतन दिया जा रहा है, जबकि मेरठ जिले में ऐसे तमाम विद्यालय हैं जहाँ वेतन का 70% ही दिया जा रहा है, बाकी 30% कोरोना की भेंट चढ़ गया है। ये वे विद्यालय हैं जहाँ पर बच्चों से भी पूरी फीस वसूली जा रही है, लेकिन स्टाफ को 70% भुगतान किया जा रहा है। विद्यालयों में स्टाफ की फीस से यह भ्रष्टाचार लंबे अरसे से किया जा रहा है, वह भी तब जबकि मेरठ में उप शिक्षा निदेशक, जिला विद्यालय निरीक्षक और BSA बैठते हैं। इस बीच पब्लिक स्कूल अभिभावक संघ ने जिलाधिकारी मेरठ को एक ज्ञापन भी दिया। इसमें कहा गया है कि कोरोना काल के कारण अभी तक स्कूल बंद हैं, लेकिन निजी पब्लिक स्कूल बच्चों पर मनमाने तरीके से शुल्क के लिए दबाव बना रहे हैं। ट्यूशन फीस के अलावा वार्षिक शुल्क, भवन शुल्क, ट्रांसपोर्टेशन शुल्क आदि फीस के साथ जोड़ा जा रहा है, जो कि अनुचित है। मैं पब्लिक स्कूल अभिभावक संघ की जिलाध्यक्ष रुचिकर और मेरी पूरी टीम, जिसमें एडवोकेट कपिल शर्मा जी, अंकित गौतम जी, वरुण शिरोई जी और सचिन शर्मा जी, आज हम सभी ने मिलकर माननीय जिलाधिकारी जी को भी एक ज्ञापन सौंपा है ऑनलाइन परीक्षा के विरोध में। जो यूपी के स्कूलों द्वारा ऑनलाइन परीक्षा का डिसीजन लिया गया है, मेरे हिसाब से वो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि कुछ अभिभावक ऑनलाइन कक्षाएं कराने के लिए भी सक्षम नहीं है तो उनके बच्चे ऑनलाइन परीक्षा किस प्रकार दे सकते हैं। मेरा स्कूलों से यही सवाल है कि जिन बच्चों की ऑनलाइन कक्षाएँ नहीं हो पाई, उन बच्चों को परीक्षाओं के लिए सक्षम कैसे बनाया जाए? तो इसके विरोध में मैं माननीय अपने मुख्यमंत्री योगी जी से अनुरोध करती हूँ कि जो भी स्कूल ऑनलाइन परीक्षा का दबाव बना रहे हैं या अभिभावकों को फीस जमा करने का दबाव बना रहे हैं या उनके लिए उनके बच्चों को स्कूल से बाहर निकालने की धमकी दे रहे हैं, उनके लिए उचित कार्रवाई की जाए। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.tv। नमस्कार।